श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आसुरी तंत्र बहुत हल्के में मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया हूँ। आज इसका एक विद्या मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ और वो है वशीकरण की विद्या। वशीकरण की विद्या क्यों दे रहा हूँ? ये वशीकरण की विद्या इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इसका यूज़ कर सकें। किसी एक फॉलोअर ने ये चिंता जताई थी कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन मैं भी आपको किसी भी विद्या को उतना ही देता हूँ जितना कि आप उसको पचा सको। जैसे आज की विद्या जो वशीकरण विद्या है, आसुरी तंत्र का मुख्य क्या है वो मैं आप लोगों से साझा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि वो गुरु परंपरा से आती है। आसुरी तंत्र का जो मूल मंत्र है, जब तक वो आपका सिद्ध नहीं होता है तब तक ये तंत्र 100% नहीं चलता है। हाँ, लेकिन इसके मंत्रों के प्रयोग से आपको इतनी शक्ति ज़रूर आ जाएगी कि आपका जो अटका हुआ काम है, आप जिस प्रयोग के लिए इसको करना चाह रहे हैं, वो काम आपका सिद्ध हो जाए। अगर आपका मूल सिद्ध हो जाता है तब आप किसी भी तंत्र के पराकाष्ठा में जा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं कि कैसे करें हम लोग वशीकरण आसुरी तंत्र से। आसुरी तंत्र का मंत्र जो है अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप लोग लिख ले, पढ़ के मैं नहीं बताऊंगा। इस मंत्र को कंठस्थ कर ले क्रिया करने से पहले, क्योंकि ये मजाक नहीं, आसुरी तंत्र है, असुरों द्वारा प्रयोग किया जाता था, शिव जी के मुख से इसको बोला गया है, इसीलिए ये ईश्वर उवाचा है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है इसका? सबसे पहले जिसके ऊपर आपको वशीकरण करना है, राई, राई के दाने ले, उसको पीस ले और उसमें घी मिला करके जिस भी व्यक्ति पर आपको वशीकरण करना है उसकी मूर्ति बना ले। ठीक है, उसके बाद ओम आम ह्रीम, इस मंत्र से जो भी अमुक व्यक्ति है उसकी प्राण इस पुतले में आ जाए, ऐसा बोलकर प्राण प्रतिष्ठा करना है। इतना करने के बाद आप वो जो मूर्ति है उसके बाएं पैर से को तोड़ना शुरू करेंगे और उसको घी में मिला करके होम करेंगे। ठीक है, 7 दिन तक आप ऐसा करेंगे, गिनती नहीं होगी, जब तक वो मूर्ति आपकी रहेगी तब तक आप होम करते रहेंगे। जैसे ही 7 दिन तक आप इस होम को कर लेंगे, 7वें दिन वो व्यक्ति आपके वश में होगा। ये जो मैंने अभी आप लोगों को मूर्ति बनाने की विद्या बताई, इसमें कई तरह का और प्रयोग होता है। वशीकरण पुरुष पर अलग, स्त्री पर अलग, जाति पर अलग, राजाओं पे अलग, राजपाट पर अलग, हर चीज़ पर अलग अलग वशीकरण होता है। और हर बार जो इसके लिए जो मूर्ति बनाई जाती है वो अलग अलग होती है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही बेसिक मूर्ति बनानी है राई के दाना से, और उसमें जो मंत्र मैंने बोला उसको बोल करके आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद उसके बाएं पैर को तोड़ेंगे, तोड़ करके उसको घी में मिलाएंगे और उसके बाद उससे हवन करेंगे। मतलब धीरे धीरे आप एक एक अंग तोड़ करके उसको घी में मिला करके और उसके बाद उससे हवन करेंगे 7 दिनों तक। ये हो गया आसुरी वशीकरण साधना। आसुरी विद्या के बारे में और बताऊंगा, वशीकरण भी आप लोगों को और बताऊंगा। इतना बता दूं कि आप में से अगर कोई सोचता है कि किसी गलत प्रयोग में इन सब वशीकरण को आप ला सकेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसका बहुत ही अल्प प्रभाव रहेगा। अल्प प्रभाव में आप किसी के साथ अगर गलत करते हैं तो प्रभाव खत्म होने के बाद आप भी वही हैं, वो भी वही है। इन सब चीज़ों की जो कुंजी है, जैसे मैंने बताया कि आसुरी तंत्र का मूल मंत्र है, उसका सिद्ध होना ज़रूरी है, वो गुरु देते हैं और गुरु को पता होता है कि सही पात्र कौन है। इसीलिए जो लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वशीकरण का दुरुपयोग होगा, वो भी निश्चिंत रहे और जिनको अपना काम निकालना है वो भी खुश हो जाए, क्योंकि इस मंत्र और इस विधान से अचूक रूप से आपका कार्य होगा। रावण से लेकर मारीच तक इसका प्रयोग करता था। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, नंबर है 9431188585। इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए मेरा आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रुद्रनाथ @cm4 मेरी ID है, USA, Canada और India
तीन देश से आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantra.com पर लॉगिन कीजिए, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, या फिर मुझे जब व्हाट्सअप आप करिएगा तब भी आपको अपॉइंटमेंट का लिंक मिलेगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप पर भेजो, बहुत बार मिस हो जाता है अपॉइंटमेंट। आज के लिए इतना ही। आसुरी विद्या में आप सभी निपुण हैं ऐसे मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।